हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ये जो सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन आते हैं, B310, B313, E1200, ये सब फ़ोनों में ये जो बैटरी लगाते ही ऑटोमेटिक इसका टॉर्च लाइट ऑन हो जाता है और फ़ोन डेड कंडीशन में रहता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में अक्सर आते रहते हैं। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं, इसका पावर बटन दबाए रखने से भी ये ऑन नहीं हो रहा है और इसका जो टॉर्च है ये अपने आप जल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका जो पीछे का प्लेट है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक्चुअली इसका प्रॉब्लम आते कहाँ से हैं। तो गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसका पीछे के इस प्लेट को उठा के ये जो मेन CPU है, इस CPU के बगल में ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो कॉयल रहता है, बूस्ट कॉयल होता है ये ख़राब हो जाने से या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आने से ये टॉर्च लाइट अपने आप जलता है और फ़ोन डेड कंडीशन में रहता है। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये जो कॉयल दिख रहा है आपको, इसको रिप्लेस कर देना है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास एक पुराना बोर्ड है तो उससे इस कॉयल को रिमूव करके यहाँ पर लगा दूंगा। गाइस, सैमसंग के ये फ़ोनों में ये जो CPU होता है, ये थोड़ा सा भी हीट लगने के कारण ये फ़ोन पूरा डेड हो सकता है, इसीलिए मैं सिल्वर टेप की मदद से इस CPU को कवर अप कर लिया। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट लगाते हैं और उसके बाद हॉट एयर गन की मदद से हम इस कोयल को रिमूव कर लेते हैं। गाइस, इस टाइम हॉट एयर गन के एयर को 1 से लेकर 2 के बीच में और हीट को 250 से लेकर 300 के बीच में रखा हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस कॉइल को रिमूव कर लिया हूँ और इसके बदले हम एक दूसरा कॉइल यहाँ पर डालेंगे। उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है, इस पॉइंट को जंपर करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है जो बताते हैं कि इस कॉइल को रिमूव करके ये जो 2 पॉइंट है इसको शॉर्ट कर देने से भी ये काम बन जाता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए गाइस इस 2 पॉइंट को जंपर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हूँ जिसको अगर आप लोग मिस करेंगे तो शायद आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। वैसे भी गाइस, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको सब ख्याल रखना है कि आपका जो मेन CPU है उसमें ज़्यादा हीट ना लगे। आप हीट को थोड़ा कंट्रोल करके इसको रिमूव करिए तो आपका काम बिल्कुल सही से बनेगा। गाइस, कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करते हैं और उन लोगों के सामने इस तरीके का वीडियो आता है कि इसको रिमूव करो, देन यहाँ पर दो पॉइंट्स में एक जंपर डाल दो तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कॉयल का ही मेन मसला है। तो आप लोग क्या करिए, उस कॉयल को रिमूव करके कोई अच्छा बोर्ड से दूसरा कॉयल निकाल के वहाँ पर डालिए, तो 100% आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो देखिए गाइस, उस कॉइल को रिमूव करके मैं उस 2 पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है और इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, इन 2 पॉइंट्स को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो गाइस, इसके बाद भी मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो ये देखिए, हमारा जो टॉर्च है वो अभी भी जल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को एक बोर्ड ले लेना है और सैमसंग के सभी बोर्ड में ये कॉयल रहता है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वहाँ से उस कॉयल को रिमूव करना है और सिंपली यहाँ पर डाल देना है, तो 100% आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, मैं इस बोर्ड से इस कॉयल को रिमूव करके यहाँ पर हमारा जो मेन बोर्ड है उसमें लगा देते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो फ़ोन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा, किसी भी क्रिएटर को छोटा से बड़ा बनने के लिए आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही एक क्रिएटर 0 से लेकर 1K तक उसके चैनल में सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाते हैं। तो गाइज़, प्लीज़ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सो गाइज़, यहाँ पर जो है मैं उस बोर्ड से कॉइल को निकल कर हमारे इस बोर्ड में लगा दिया है। तो अभी मैं आप लोगों को इस फ़ोन को ऑन करके दिखाऊंगा। तो बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत
गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बैटरी लगा के दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ, हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो मैं बैटरी लगाता हूँ, तो देखिए गाइस मैं बैटरी लगाने के बाद हमारा फ़ोन का जो टॉर्च है वो अभी नहीं जल रहा है, और मैं आप लोगों को इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ हमारा फ़ोन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और ये जो डिस्प्ले वाइट आ रहा है ये अभी सीपीयू थोड़ा सा गर्म है, तो अभी मैं इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगा और फिर मैं आप लोगों को इस फ़ोन को ऑन करके दिखाऊंगा बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा। तो हम सबसे पहले इस सिल्वर टिप को उठा के इस जगह को थोड़ा सा थिनर से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बैटरी लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो या फिर मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं थिनर से इस जगह को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया हूँ, अभी सीपीयू भी हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अभी हम बैटरी को लगाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई फ़ोन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे जाके उस कॉइल को रिमूव करके एक दूसरा कॉइल लगा देना है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो चुका है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।